नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे कर्म क्या है। कर्म क्या है दोस्तों, जो भी आप काम करते हो, अपने मन में विचार लाते हो, वो ही कर्म होते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध, जो बुद्ध भगवान थे, अपने चेलों को बता रहे थे, शिष्यों को। शिष्यों ने पूछा, बुद्ध जी कर्म क्या है? तो हम आपको एक कथा सुनाते हैं, उसी में बताएंगे कर्म क्या है। दोस्तों एक गाँव था, वहाँ एक राजा रहते थे। राजा अपने मंत्री के साथ अपने रथ पे सवार एक बाजार में गुजरे। जब बाजार में गुजरे, उन्होंने देखा एक दुकानदार है कि मैं इसको कल फांसी दूंगा। मंत्री जी से कहा, मंत्री जी इस दुकानदार को मैं कल फांसी दूंगा। मंत्री जी सोच में पड़ गए। मंत्री जी ने कहा, महाराज फांसी देंगे, क्यों फांसी देंगे, उसने बेचारे ने क्या किया। फिर सुबह मंत्री जी प्रजा का भेष बना के दुकानदार के पास आए, आप क्यों नाराज हो, क्यों दुकानदारों से बात की कि क्यों नहीं बोलते हो, तुम क्यों नहीं बोलते हो इन दुकानदारों से। तब उसने कहा कि मेरी ये चंदन की लकड़ी है, मैं बेचता हूँ, इन लोग देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं महक बहुत अच्छी है, चले जाते हैं, कोई खरीदता नहीं इन्हें। फिर क्या होना चाहिए, अगर ये प्रजा का राजा मर जाए तब ये मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएंगी तो राज दरबार से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। तो वजीर बोले, ये तो आपने बहुत बुरा सोचा कि राजा मर जाएंगे तभी आपकी चंदन की लकड़ी बिकेंगी, तभी आपको पैसे मिलेंगे। फिर वजीर ने सोचा कि इसको तो कल फांसी होने वाली है, क्या है। तो वजीर ने उसकी अपने रुपयों से उसकी चंदन की लकड़ी खरीद ली और उसे महाराज के दरबार में पेश हो गए और वहाँ रख दी। सारा दरबार महक गया चंदन की लकड़ियों से। राजा कह रहे, ये चंदन की लकड़ी कहाँ से आई? बोले, वहाँ से आई मार्केट से। आज से ये चंदन की लकड़ी की जिम्मेदारी उसी दुकानदार की है, वो मुझे प्रतिदिन लकड़ी पहुंचाएगा और सारी जनता इसकी खुशबू सूंघेगी दोस्तों। और राजा ने उसे 100 मुद्रा सोने की दी वजीर को, जाओ दे देना जाके। जब ही वजीर दुकानदार के पास पहुंचे, लो 100 सोने की मुद्रा रोको, और दुकानदार खुश हो गया और उसकी प्रतिदिन बिकने लगी और लोग खरीदने लगे। राजा कह रहे, इस मन में सोच रहे, कारी जिस दुकानदार को मैं फांसी की सजा देने वाला था, वो दुकानदार इतना अच्छा बन गया, ये बताओ मेरे लिए लकड़ी भेजी है। दोस्तों मन में क्या क्या विचार आने लगे। फिर गौतम बुद्ध बोले, यही कर्म है कि मन में आप जो विचार करोगे उसी के ही कर्म करते हैं। कर्म की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, जो कर्म करोगे उसी को कर्म कहते हैं। किसी की भावनाएं अलग होती हैं, किसी की याद अलग होती है, किसी की सोचना अलग होता है, उसी को कर्म कहते हैं। जैसे आपके 2 बच्चे हों, एग्जाम्पल के तौर पे, एक बड़ा हो एक छोटा हो, दोनों छोटे हों, तो बड़ा वाला अगर उसे तुम नई नई चीज़ें दिखाओगे, नई नई टेक्निक चीज़ें दिखाओगे, फिर उसी में उसका दिमाग चलेगा, आगे चल के वो बहुत होशियार हो जाएगा। अगर दूसरा बच्चा है, उसे तुम कोई चीज़ बताओगे नहीं, कुछ दिखाओगे नहीं, उसके बाद में उसे कोई चीज़ पढ़ने में कोई समझ नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जो मन में विचार आएगा, जो काम करोगे वही कर्म है। अच्छे अच्छे कार्य करो तो अच्छा फल मिलेगा दोस्तों। इस कहानी से मुझे यही शिक्षा मिलती है, अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।